9 मुहर्रम का जुलूस, डिप्टी कमिश्नर का पांडू स्ट्रीट का दौरा। अनवारुल हक ने सिक्योरिटी इंतजामात और इंतजामी अमूर का जायजा लिया है। आपको बताएं कि 9 मुहर्रम का जुलूस यहां से निकलेगा। इसी हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने पांडू स्ट्रीट का दौरा किया है। इस हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इमरान मलिक से। इमरान, बताइएगा सिक्योरिटी इंतजामात तसल्ली बख्श करार दे दिए गए? हाँ जी बिल्कुल, अपना कटाना डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक का पांडू स्ट्रीट का दौरा किया और इसी तरह तमाम तर रूट्स का दौरा अभी भी कर रहे हैं और अंदरून शहर भी जा रहे हैं और इस वाले से पैच वर्क स्ट्रीट लाइट्स और तजावजात के हवाले से तमाम रूट्स को चेक किया जा रहा है। डीसी लाहौर ने पांडू स्ट्रीट इस्लामपुरा के इंतजाम का भी जायजा लिया है। बिजली की लटकती हुई तारों को ठीक कर दिया गया है। सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। डीसी लाहौर का यह भी कहना है कि तमाम एसी साहिबान जो हैं वो अपने अपने इलाकों में जहां पे भी जुलूस मजालिस हैं वहां के तमाम रूट्स का दौरा करें और एसी सिटी जो सदर विरक हैं उनको जुलूस पांडू स्ट्रीट और दीगर अफसरान को फौरी तौर पर वहां पर कहा गया कि यहां पर दौरा करके उनके जितने भी मसाइल हैं वो हल किया जाए। अंदरून शहर में तकरीबन 317 कैमरे लगाए जा रहे हैं जिनको रूट्स को देखा जा रहा है और उन रूट्स को बकायदा तौर पर चेक किया जा रहा है और जितने भी पैच वर्क हैं वो मेट्रोपोलिटन कॉर्पोरेशन के जरिए लगाए जा रहे हैं। इंतजाम को चेक किया जा रहा है और इसके साथ साथ फूड अथॉरिटी को, अलाइड महकमों को, PTCL और इसके साथ साथ रेस्क्यू 112 तमाम महकमों को, जितने भी अलाइड महकमे हैं उनको साथ जोड़ा गया और वहां पर कैंपिंग भी की जा रही है ताकि कोई भी मसला ना आए। जहां पर भी जुलूस और मजालिस निकल रहे हैं वहां पर किसी भी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना आए और पुलिस के साथ तमाम तर तावन जरिए गवर्नमेंट कर रही है। डीसी लाहौर का ये कहना था और उनका ये भी कहना है कि इस वक्त हमारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, कंट्रोल रूम बना दिया गया है और वहां पर बैठ के हम मॉनिटरिंग करेंगे ताकि कहीं भी कोई भी ऐसा नाखुशगवार वाकया। इमरान मलिक, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे।